आशा करते हैं कि आज के 30 एपिसोड के बाद आपका लैम्प बनाने का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया होगा और इसी उत्साह के साथ आज का जो आर्किमिडीयन सॉलिड और आज का जो लैम्प हम बनाएंगे उसका नाम है ट्रंकेटेड आइकोसिडोडेकाहेड्रोन। इसको बनाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से इसके PDF को आप डाउनलोड कर लें और चार्ट पेपर पर चिपका के उसको काट लें। कागज का ट्रंकेटेड आइकोसिडोडेकाहेड्रोन बन गया है और इसके पीछे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है आइकोसिडोडेकाहेड्रोन जो हमने पहले बनाया था। तो आइकोसिडोडेकाहेड्रोन की अगर हम हर साइड को 1/3 काट दें तो हमें जो कोने हैं सारे, जो वर्टिसेस हैं सारे, वहाँ पे मिलेगा हमें स्क्वायर, क्योंकि हर वर्टेक्स पे यहाँ पे 4 फेसेस आके मिल रहे हैं। तो वर्टेक्स पे मिलेंगे हमें स्क्वायर, तो इसमें ऐसे 30 स्क्वायर हैं और जो ट्राइंगुलर फेसेस है वहाँ पे मिलेगा हमें हेक्सागन, ऐसे इसमें 20 हेक्सागन है। और जो पेंटागन फेसेस है वहाँ मिलेगा हमें डेकागन, 10 साइडेड पॉलीगन मिलेगा, ऐसे इसमें 12 डेकागन है। और ये काफ़ी गेंद जैसा भी दिख रहा है क्योंकि इसमें 120 वर्टिसेस हैं और वो सारे वर्टिसेस अगर इसके बाहर हम एक स्फेयर बना दें, बाहर हम एक गोला बना दें, तो वो सारे वर्टिसेस उस गोले पे लाई करेंगे। तो इसमें 120 वर्टिसेस है और 180 साइड्स है। तो आज हमने ये 14th लैम्प बनाया है सीरीज का और आगे बाकी जो 6 लैम्प बचे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।